बिस्मिल्ला आराम से, कितनी बार कहा है मेरी पोस्ट पर आराम से आया करें। मोमिन तो वो है जिसका मोबाइल सारे घर वाले इस्तेमाल कर सके। लोग अपनी तस्वीर अच्छी आ रही हो तो उसी वक्त अपलोड कर देते हैं। साथ में बेशक आरफ लोहार के चिमटे जैसा लग रहा हो। शोहर आज सब्जी में नमक थोड़ा ज्यादा नहीं। बीवी ना जी ना, नमक पूरा थोड़ी सब्जी कम सी। नतीजा बीवी कभी गलत नहीं होती। शोहर तुम दरवाजे पे 3 घंटे से खड़ी किससे बातें कर रही हो? बेगम मेरी दोस्त है बेचारी, उसके पास टाइम नहीं है अंदर आने के लिए। जब से पंजाबी फिल्में बनना कम हुई हैं तब से गंदम की पैदावार भी अच्छी हो रही है, वरना आधा खेत तो हीरोइन नाच नाच कर तबाह कर देती थी। जब मेकअप सस्ता था तो दूल्हे भी रुखसती के बगैर दाढ़ी मार मार कर बोलती थी। आजकल तो हल्का सा ऊँ आ करके काम चला लेती है। जो लोग बोतल पीकर पैसे नहीं देते थे ना, कोका कोला वालों ने भी उनके नाम बोतल पर लिखना शुरू कर दिए हैं। जब कोई शादीशुदा आदमी कहता है सोच कर बताऊंगा तो इसका मतलब होता है बीवी से पूछ कर बताऊंगा। शोहर अगर ऑपरेशन से मुझे कुछ हो जाए तो तुम उसी डॉक्टर से शादी कर लेना। बीवी ऐसा क्यों बोल रहे हो जी? शोहर तो क्या मैं डॉक्टर को मुआफ कर दूं? औरत को खुश करना बड़ा ही मुश्किल काम है, मर्दों का क्या है, वो तो औरत को देखते ही खुश हो जाते हैं। गुस्से का आना मर्द होने की निशानी है और गुस्से को पी जाना शादीशुदा मर्द होने की निशानी है। वो शागिर्द भी किसी दहशतगर्द से कम नहीं होता जो टीचर को क्लास में याद दिलाए सर आज अपने टेस्ट का कहा था। घर वाले अच्छी खासी बिजती करके आखिर में कहते हैं पुत्र गल तेरे फायदे दी सी। हाँ हाय आपकी तो हो गई, हार्ट अटैक जैसी हालत हो जाती है यार जब कोई कहता है तुम्हारे बारे एक बात पता चली है। बाबा जी कहते हैं अगर ब्रेकअप के बाद दिमाग में शायरी नहीं आ रही तो समझो प्यार नकली था। सो जाते हैं मजे से किताबों पे सर रख कर, स्टूडेंट कभी नींद की गोलियां खाया नहीं करते। हुकूमत कर बैठने की बात करती है, ये कौम अगर जन्नत भी चली जाए तो दोजख देखने जरूर जाएगी कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है। बारात आने पर लड़कियां दूल्हे को कुछ इस तरह से देख रही होती है। इग्नोर भी कोई करने की चीज है, मैसेज कीजिए, फड्डा कीजिए, लड़ाई कीजिए, एक दूसरे का जीना हराम कीजिए। कुछ लोग इतने दुखी गाने सुनते हैं कि साथ बैठा बंदा भी उनके महबूब को मिस करने लगता है। अगर दो आदमी लड़ रहे हो तो आपका फर्ज है कि नीचे बैठ जाए ताकि पीछे वालों को भी नजर आए। शुक्रिया। जब मर्दों को किसी शादी में दो हसीन लड़कियां एक साथ दिखाई दे तो उनकी आंखों का हाल कुछ ऐसा होता है, बस दुआ करो ये साल मुझे रास आ जाए, रिश्ता लेकर मेरी सास आ जाए। पप्पू यार कल मैंने कितनी बार कॉल की, उठाई क्यों नहीं? शीदा क्यों उठाऊं? 30 रुपए का जो गाना लगवा वो तेरा बाप सुनेगा। शादी से पहले तुम नहीं तो मैं नहीं, मैं नहीं तो तुम नहीं, शादी के बाद ले फिर आज तू नहीं या मैं नहीं। किसी ने क्या सच ही कहा है, गुजरा हुआ वक्त और अम्मी के पास रखवाए गए पैसे कभी वापिस नहीं आते। 1000 फिल्में देख लो मगर जो मजा मोहल्ले की लड़ाई देखने का है ना वो कहीं नहीं है। दाल के तेल लगा दो मुझे आग, ये देख के जीना बनता ही नहीं। जो अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार्कर समझता है वो ये चैलेंज एक्सेप्ट करे और 500 सवालों के जवाब दे। कौन सा स्टूडेंट सो रहा है? 2 जुड़वा भाई तलाश करें, 2 जुड़वा बहनें तलाश करें। इस फोटो में कितनी लड़कियां हैं, इनमें से टीचर कौन है? लड़का अपना दुपट्टा उठा लो जमीन से घिसा जा रहा है, लड़की दुपट्टा भी अपना फर्ज निभा रहा है। कोई चूम न ले मेरे कदमों की मिट्टी को इसलिए निशानात मिटा रहा है, लड़का बादशाह सलामत की औलाद आगे गोबर है। न्यूटन ने बेशक ग्रेविटी लॉ दरियाफ्त किया है मगर खाली कैंची चलाने से घर में लड़ाई होती है ये हमने ही मालूम किया है, कोई हमसा है तो सामने आए। अगर न्यूटन के जमाने में मोबाइल और इंटरनेट होता तो ग्रेविटी ऑफ लॉ तो क्या ना, तो सर दर्द का भी पता ना चलता। डियर न्यूटन सेब गिर गया तो खा लेते, इतना तमाशा करने की क्या जरूरत थी। और ये हफास्ती टीका उनके लिए जो कमेंट्स नहीं करते, तो दोस्तों प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट।